पांचवावली थाना अंतर्गत वाहन चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और आरोपी के पास से चोरी का वाहन जब्त किया। ऐसी जानकारी पांचवावली थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय मेढे द्वारा दी गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार बुद्ध नगर निवासी और फरियादी सुखदीर कौर रंजीत सिंह मठारू यह 4 जनवरी को अपनी एक्टिवा गाड़ी MH49BG8032 से पति के साथ बुद्ध पार्क में घूमने के लिए गई थी। अपनी एक्टिवा गाड़ी हनुमान मंदिर के पास खड़ी की थी। जब घूमकर वापस आई तो एक्टिवा गाड़ी दिखाई नहीं दी। उन्होंने आसपास में गाड़ी की खोजबीन की लेकिन कुछ पता नहीं चला। उसके बाद उन्होंने पांचवावली थाने में शिकायत दर्ज की। दिनांक 4 जानेवारी 2022 सकाळी 7 ते 8:15 दरम्यान यातील ज्या फिर्यादी आहे सुखबीर कौर रंजित सिंग मठारू वय 54 वर्षे राहणार बुद्धनगर या बुद्ध पार्क येथे वॉकिंग करायला गेला होता सकाळी आणि पार्कच्या बाजूला त्यांनी गाडी पार्क केली होती। त्यांची ॲक्टिवा गाडी क्रमांक MH49BG8032 ही गाडी त्या पार्क करून वॉकिंग करायला गेलेल्या असताना वॉकिंग करून जेव्हा परत आल्या तेव्हा त्यांना त्यांची गाडी तिथे दिसली नाही, टू व्हीलर, आणि ती कोणीतरी अज्ञात चोरट्यांनी चोरून नेली असावी म्हणून त्यांनी पोलीस स्टेशनला तक्रार दिली। आम्ही त्यावरून अज्ञात चोराविरुद्ध कलम 379(2) गुन्हा दाखल केला होता। DB पथकास शत्रुघ्न यादव यांच्या पथकास सदर वाहन हे पेट्रोलिंग दरम्यान एका इसम चालवत असताना मिळून आला। त्याला तत्काळ त्यांनी ताब्यात घेऊन त्याच्याकडे चौकशी केली तर त्यांनी ती गाडी चोरल्याची कबुली दिली। सदर आरोपीचं नाव आहे किरण नरेंद्र कोलटकर व 29 वर्षे राहणार अविघ्ननगर गडेगाव तहसील लाखनी जिल्हा भंडारा। त्याचे काही गुन्हे नाही सध्या तर त्याच्यावर काही गुन्हे वगैरे दाखल नाही, परंतु त्याच्याकडे ती गाडी मिळाली आणि त्याला त्या गुन्ह्यामध्ये अटक करण्यात आली। गाडी त्याच्याकडून जप्त करण्यात आलेली आहे। आरोपीचा PCR घेतला होता आणि आता आज पुढील तपास हेड कॉन्स्टेबल शत्रुघ्न यादव हेच करत आहे। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर चोरी का मामला दर्ज किया और चोर की खोजबीन शुरू की। जांच दल को पेट्रोलिंग के दौरान एक युवक एक्टिवा गाड़ी लेकर जाते हुए दिखाई दिया। पुलिस ने उसे घेर लिया और एक्टिवा गाड़ी के बारे में पूछताछ की तो उसने अपना नाम किरण कोलटकर गड़े गांव तहसील लाखनी जिला भंडारा निवासी बताया और वाहन चोरी करने की बात कबूल की। उसके बाद पुलिस ने उससे 55,000 रुपए कीमत का वाहन जब्त कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख BCN News नागपुर।